26 जुलाई 1999 की वो तारीख जो हमारे देश के लिए गौरव की तारीख है, उस दिन हमारे देश के रणबांकुरों ने दुश्मन देश की सेना पर ऐसा कहर बरपाया कि कारगिल विजय हासिल की और अपना तिरंगा फहरा दिया। और इस जीत के मेन हीरो रहे कैप्टन मनोज पांडे। उनके अदम्य साहस की वजह से ही हमारे देश ने कारगिल विजय पताका फहराई और मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र, जो कि सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वो उन्हें मिला। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कैप्टन मनोज पांडे के पिताजी हैं, गोपीचंद पांडे जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि मनोज पांडे जी की शिक्षा दीक्षा कैसे रही, क्या बचपन से ही वो सेना में जाने का उनका मन था। उनसे हम जानेंगे और उन विचार साझा करेंगे। सर, पहले तो ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। सर, बताएं मनोज जी के बचपन के बारे में, बताएं कैसे थे, उनकी पहले से ही इच्छा थी सेना में जाने की, पढ़ाई लिखाई उनकी कहाँ हुई? सर, उनकी पूरी पढ़ाई लिखाई लखनऊ में हुई है। और बचपन की बात करें तो जैसे समाज से अलग हट के व्यक्ति कोई कहलाता दिखता है, वो ऐसे मनोज दिखते थे बचपन से ही। और सेना में जाने का उनको अवसर उस समय उनका मन बना जब उनका यूपी सैनिक स्कूल, आज जो कैप्टन मनोज पांडे यूपी सैनिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर उन्होंने अपना प्रशिक्षण जब शुरू किया, वहाँ से उनको सेना में मातृभूमि की रक्षा के लिए एक प्रेरणा मिली और फिर उन्होंने सेना में जाने का अपना पूरा मन बनाया और उसका उनको वो अवसर मिला। क्योंकि उस समय बनारस में 67 बच्चों का इंटरव्यू हुआ था, ये वेद का विधान है कि मनोज अकेले उन 67 बच्चों में क्लियर पास हुए थे। और उन्होंने उसी समय ये, जब सेना के अधिकारियों ने वहाँ पर पूछा था कि सेना में भर्ती होने के लिए क्यों जा रहे हो, तो जो उनके मन में था, जो उनका उद्देश्य था सेना में जाने का कि परमवीर चक्र पाने के लिए सेना में भर्ती होने के लिए आया हूँ,